जो MPSB के लिए स्टाफ नर्स का जो फॉर्म डाला है उसमें GK से भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें जो मैप है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैप से हमें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, कहाँ राजधानी है, कहाँ उनके राज हैं, किस प्लेस पे कौन क्या है, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पहाड़ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये तो पूरा ओवरऑल हो गया भारत का नक्शा, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर आप लोग अपने घर में ये टांग लेंगे और फिर इसको रोज की रोज देखेंगे, तो ये 2-4 दिन में ही याद हो जाएगा। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस रोज़ रोज़ देखना है, ओनली सिर्फ हमें देखना है इसको और हमें इसको याद हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले है यहाँ पे लद्दाख, और लद्दाख में एक अभी क्वेश्चन आया था, अभी फिलहाल स्टाफ नर्स में नहीं, अभी कुछ अभी हुआ था एग्ज़ाम 25 तारीख को DED वालों का, उसमें पूछा था K2, ये ऐसा खाली मैप दे दिया था और ऊपर यहाँ पे K2 बना दिया था, और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे ये ऐसा ट्राइंगल, और पूछा था कि ये कौन सा पर्वत है, तो ये कौन सा पर्वत है, K2, जो कि अब लद्दाख में है सबसे ऊपर, ये उत्तर है, उत्तर में K2 पर्वत है लद्दाख में, उसके नीचे है जम्मू कश्मीर, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर है पंजाब और उत्तराखंड, पंजाब के सामने उत्तराखंड है, और एक चीज़ है पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, पंजाब की भी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी चंडीगढ़, फिर उसके भी बाद है उत्तर प्रदेश, फिर है राजस्थान, और यहाँ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, भारत का दिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे भारत के नक्शे में एकदम सेंटर में सिचुएटेड है। उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर यहाँ बिहार, और यहाँ पे 7 सिस्टर्स, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम की गंगटोक, राजधानी क्या है, गंगटोक, बांग्लादेश है यहाँ पे, बस फिर पश्चिम बंगाल है, फिर उड़ीसा है, फिर यहाँ पे गुजरात है, इनकी हमें राजधानियाँ भी याद करनी है। ये सब हम राज्य बता रहे हैं, जो ब्लैक कलर से डार्क हैं वो सब क्या है, राज्य हैं, उनकी राजधानियां भी हमें याद करनी है। फिर इसके बाद तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे है तमिलनाडु, फिर केरल, सबसे नीचे है श्रीलंका। चलो यहाँ पे इनकी राजधानियां भी लिखी है, तो चार्ट पेपर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, अगर आप लोग लगा लेंगे रोज देखेंगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश की पहले थी हैदराबाद, अब अमरावती हो गई है, फिर तेलंगाना की हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलोर, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलांग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। अब यह केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 हैं, इसमें से पहले अंडमान और निकोबार समूह है, इसकी है पोर्ट वेयर विलेयर, चंडीगढ़ की है चंडीगढ़, दिल्ली की दिल्ली, लक्षद्वीप की कवरती, पांडुचेरी की पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, और जम्मू लेह है, अच्छा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की है श्रीनगर, और लद्दाख की लेह है, दादर और नगर हवेली, और दमन और दीव की है दमन। तो ये है मैप, याद करिए, अगर ये मैप आपने याद कर लिया तो ये समझ लीजिए आपके 5 नंबर 6 नंबर कहीं नहीं गए। आप कहेंगे ये नहीं कि इसमें राजधानी पूछ रहा है या राज्य पूछ रहा है या कुछ भी पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर अपन को ये पता होगा कि राज्य कौन से हैं, राजधानियां कौन सी हैं, तो उससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसमें से कुछ भी पूछेंगे कि इस जगह कौन से राज्य में ये चीज स्थित है, तो बहुत बार कहते वो सही राजधानियां दे देते, सिर्फ एक राज्य का नाम देते, अगर हमें राज्य का नाम पता है तो वो क्वेश्चन हमें आता भी नहीं है, तब भी हमें उसका आंसर मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि हमें पता रहेगा कि उसका राज्य है ये।